नमस्ते। पवन सिंह एक समय में जो थे वो एल्बम बहुत कम कर रहे थे, महीना में एक आध एल्बम कर रहे थे या शायद वो भी नहीं। तो उस समय कुछ लोग कहते थे कि अरे भाई पवन सिंह को तो एल्बम मिल नहीं रहा है, गाना नहीं मिल रहा है, पवन सिंह को कोई कंपनी जो है गाना दे नहीं रहा है। तो पवन सिंह क्या किए कि आज के डेट में इतने गाने गाना शुरू कर दिए, मतलब महीने के 4 गाने, और इतने गाने हिट होने लगे कि लोग जो है अब कहीं दिख नहीं रहा है। और पवन सिंह अब जो है फिल्म जो है सिलेक्टेड करने लगे, तो अब पता है क्या कहने लगे हैं, पवन सिंह को तो फिल्म नहीं मिल रहा है, फलाना स्टार जो है वो दिन रात फिल्म कर रहा है, 3 महीना में 6 को फिल्म कर दिया। देखो यार, कहने वाले तो कहते रहेंगे, चाहे कुछ भी करो, करो तो भी कहेंगे, नहीं करो तो भी कहेंगे। हाँ, ये फैक्ट है, करो तभी करेंगे, क्योंकि जिस समय पवन सिंह एल्बम कर रहे नहीं कर रहे थे, फिल्म कर रहे थे, उस समय लोग कहते थे पवन सिंह को एल्बम नहीं मिल रहा है भाई, पवन सिंह का गाना जो है 100 मिलियन नहीं जा रहा है। जब पवन सिंह एल्बम करने लगे और गाना हिट हो रहा है, अभी पवन सिंह को फिल्म नहीं मिल रहा है भाई, पवन सिंह 3 महीने से बैठे हुए हैं। इससे पहले मैं उन ज्ञानी बाबा लोग को बता देना चाह रहा हूं कि आज से 6-7 महीना पहले के इंटरव्यू में ये पवन सिंह के जो मैनेजर हैं अमित सिंह, उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि पवन सिंह अब बेहतर फिल्म करेंगे, क्योंकि उन्हें काम गिनाने के लिए काम नहीं करना है, वो अच्छे कंटेंट पे करेंगे, और उसका साफ साफ असर दिख रहा है हर हर गंगे। उसके बाद पवन सिंह की अपकमिंग फिल्म सिंह इज फायर, जो कि वो भी 7-8 करोड़ में बना हुआ है, तो ऐसे फिल्म पवन सिंह करना चाह रहे हैं। और हाँ, एक चीज और हम बता देना चाहते हैं कि ज्यादा फिल्म करने वाला का हालत क्या होता है, बताया तुमको? गोविंदा का देख लो, एक साल में 15 पिक्चर करते थे, 18 पिक्चर कर देते थे, आज क्या है? और वही सलमान खान को देखो, पहले भी साल में एक फिल्म करते थे, आज भी कर रहे हैं, आज सलमान खान कहाँ है? शाहरुख खान को देखो, साल में एक पिक्चर लाए 2 साल बाद शायद से, आज पठान का रेवेन्यू कलेक्शन देख लो क्या है, और अक्षय कुमार साल में 4 पिक्चर ला रहे हैं। मेहनत तो अक्षय कुमार ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनकी दुर्दशा क्या हो गई है? तो जो लॉन्ग टर्म जिसको चलना होता है ना, वो कम काम करता है, क्योंकि उसे सब दिन स्टार बन के रहना है, उसे 2 साल का स्टार बन के नहीं रहना है, 2-4 साल में चल जाना नहीं है। एक जमाना होता था मिथुन चक्रवर्ती, नाम से लोग हिल जाते थे, पहला ऐसा फिल्म था मिथुन चक्रवर्ती का कि डिस्को इंडिया, जो 100 करोड़ का मतलब कमीनी किया था, इंडिया का पहली ऐसे बॉलीवुड का मूवी था, या पूरे इंडिया का मान लो। मिथुन चक्रवर्ती साल में 35 पिक्चर करते थे, लेकिन एक ऐसा समय आ गया था कि मिथुन चक्रवर्ती को एक फिल्म भी नहीं मिलता था। तो बाबू, जो गाड़ी नया नया है ना, तो उसको उतना ही चलाओ कि सब दिन चले, नहीं तो ढक के पेल के चला दो 4 दिन, और 5वां दिन पता चला कि खाली गैरेजे में लगल है। तो अच्छा काम करने के लिए ना समय मांगता है, सेलेक्टेड काम करने के लिए। आज देखो अक्षय कुमार का स्थिति हो गया, गोविंदा का स्थिति हो गया, मिथुन चक्रवर्ती का स्थिति हो गया, लेकिन आज भी शाहरुख खान सलमान खान बने हुए हैं, और भी स्टार लोग, ऋतिक रोशन देखो बने हुए हैं, अजय देवगन बने हुए हैं मार्केट में, सुनील शेट्टी को देखो भागे, बहुत काम करते थे। तो सिर्फ भागने से नहीं होता है कि इतना काम कर रहे हैं, फलानवा स्टार बैठा बैठा नहीं, सेलेक्टेड काम चाहिए। जिस समय एल्बम नहीं करते थे, उस समय भी यही कहते एल्बम नहीं मिल रहा है, और जब एल्बम मिला तो फट गया सबके। बाकी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलता है वीडियो में, लव यू।